सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हां उर्वशी जैन, तुसी देख रहे हो अपना फेवरेट चैनल MH1। दोस्तों पंजाबी सिनेमा जो एक तो बाद एक वधिया फिल्मा आज साडे व्यूअर्स वास्ते लेके आ रहा है और इसी लड़ी दे विच शामिल होण जा रही है 20 मई 2016 नूं रिलीज होने वाली मूवी एडवोकेट कप्तान। गिप्पी गरेवाल, करिश्मा कोटक, मोनिका गिल इस फिल्म की स्टारकास्ट आज साडे नाल है। असी उन्हां सब दा स्वागत करना चाहवांगे। वेलकम टू द शो। गिप्पी, सब तो पहला 2016 मोस्ट अवेटेड मूवी रहेगी और इस फिल्म का किरदार असं जरूर पूछना चाहवांगे, किस तरह के किरदार च तुसी हैगे हो? कप्तान जिहड़ी फिल्म है जी, इहदा जिहड़ा सबजैक्ट आ बेसिकली लैंड डिस्प्यूट का केस है। सो NRI पंजाबी जिहड़े ओवरसीज दे विच बैठे ने, बाहर अमेरिका, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, किसी भी कंट्री दे विच, ईवन इन जिहड़े पंजाब छड़ के दिल्ली, कलकत्ता, इधर उधर भी बैठे ने, उन्हां दा पंजाब नाल सिर्फ एको रिश्ता रह जांदा, उन्हां दी जमीन, उन्हां दा घर बार। वो कई बार अपने ताए चाचियां कोल छड़ के आए होंदे ने। सो अजकल इदां दे बहुत केस आ रहे ने कि जदों कई बार 10-20 साल बाद वापस आउंदे ने तां उन्हां दे भाई भैण ने जां चाचे ताए ने यारां दोस्तां ने वह जमीन दब लई हुंदी आ ते उहनूं डिस्प्यूटड बना के पोलिटिकल एंगल पा के उहनूं सस्ते रेटां दे विच वेच दित्ता जांदा ते केस कूस चलदे ने, बड़े साल चली जांदे आ, बेचारियां दी बड़ी भकाई हुंदी आ, बट जमीन नहीं मिलती हैगी तो रिश्ते भी जाते हैं। सो इस तरह का एक केस है फिल्म के जड़ा मैं लड़दा है तो मेरा नाँ है एडवोकेट कप्तान सिंह गरेवाल। फिल्म च जड़ा तुसी एडवोकेट का किरदार निभाया है कि खास तैयारी करनी पई कोई? एक्चुअली एडवोकेट के रोल के लिए मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पई क्योंकि उस तरह का एडवोकेट है कि इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वकील का कि केस किदा लड़े जाते हैं, वकालत की होंगी है, इन्हें वकालत की डिग्री पास कर ली है, बट इहदा कोई इंट्रस्ट नहीं है अपने प्रोफेशन दे विच। इह चाहुंदा कि मैं अमरीका, कनेडा कितें बाहर चले जा, उत्थे दी एक कुड़ी आ जिहनूं इहनूं लगदा कि मैं उहदे नाल विआह करा लूँगा, मेरा बस विआह हो जाए तो मैं तां जाके अमरीका सैटल डाउन हो जाणा ते दरख्तां तों डालर तोड़िया करांगे, है ना। सो फिर इस करके मैनूं इह लगदा सीगा कि जे मैं वकालत वाली स्टडी बहुत ज़्यादा करूँगा तो उह ऐं लगेगा कि बहुत ही प्रोफेशनल वकील है, जबकि प्रोफेशनल वकील है नहीं। इहदा केस लड़न दा एक अपना ही स्टाइल है, अनप्रोफेशनल जे तरीके नाल लड़दा है, दिमाग नाल नहीं दिल नाल लड़दा है। तकरीबन एक साल हो जाएगा, वैसे 2015 च मूवीज आई है तुहाडी, पर फिर भी क्योंकि तुसीं बिजी हो गए डायरेक्शन दे विच ते 16 दी देरी दी वजह की रही? देरी इसलिए हुई जी क्योंकि लास्ट टाइम फरार फिल्म आने तो बाद विच मैं अरदास बनाउण लग गया सीगा। फिल्म पहली मेरी एज ए डायरैक्टर सीगी अरदास, सो उन्हों टाइम बहुत लग्या, मैंने लगता कि एक साल का पीरियड लग गया मैं अरदास दे विच। सो ड्यू टू दैट मैं उधर बिजी होने करके मेरिया एज ए एक्टर फिल्मा डिले हो गई, होर भी मेरिया पाइपलाइन जिहड़ियां पिक्चर वो अगे चले गई हूँ जिन्होंने मैं शूट करूँगा इस फिल्म के रिलीजिंग तो बाद। सो इस करके फिल्म डिले हो गई और मैं वैसे भी लगता कि वधिया गल है जी। सो फैनज़ लई हुण एक वड्डा तोहफा हो जांदा क्योंकि काफ़ी देर तो वेट कर रहे थे हुण उन्हां दी कचहरी च कप्तान आ गई है। गिप्पी, इस फिल्म च किन्ने गाने रखे गए? इस फिल्म के चार गाने ने जिन्हां दे विचों एक तां रिलीजियस गाणा है रब्बा रब्बा, तो उस तो बिना एक गाणा है रेडुआ, तो एक गाणा हैगा वा ऑस्कर जिहड़ा मेरा तो बादशाह नाल हैगा दोनों का, तो एक गाणा हैगा छब्बी छब्बी। सो छब्बी छब्बी हले रिलीज़ होना है गाणा, तो बाकी सारे गाने तो डांसिंग ने जी, सिर्फ रब्बा रब्बा नूं छड्ड के। ओके, कप्तान फिल्म का तुहाडा सब तो अपना तुहाडा फेवरेट गीत केड़ा रहा? जे असी चाहवांगे तुसी उस गीत नूं गुणगुणा दिओ, साडे दर्शक जो तुहाडे फैन्स ने वो इस गीत नूं सुन पाण। नी आ जा तैनूं गल दसदा, हो देना है गरमी तेरी अख नूं जे बेबी मेरा बस चलदा, नी मैं ऑस्कर दिंदा तेरे लक नूं, ऑस्कर दिंदा तेरे लक नूं, ऑस्कर दिंदा तेरे लक नूं जे बेबी मेरा बस चलदा, जे बेबी मेरा बस चलदा, जे बेबी मेरा बस चलदा, नी मैं ऑस्कर दिंदा तेरे लक नूं, ऑस्कर दिंदा तेरे लक नूं, फुलकारी गाना मेरा बहुत फेवरेट है जी, बड़ी देर पहला आया सीगा, 2000 मेरे ख्याल 3 दे विच शायद आया सीगा, 3 या 4 दे विच, ते वो मेरा फेवरेट गाना है। उस तो बिना होर बड़े गाने मेरे फेवरेट ने जी, अंग्रेजी बीट फेवरेट है, उस तो बिना चांदी की डब्बी फेवरेट है। सो काफी गाने ने जिहड़े मैं पसंद करदा। गिप्पी, तुसी कई साल तक 3-3, 4-4 मूवीज कीतियां, पर मैं जरूर पूछना चाहवांगी तुहाडी फेवरेट फिल्म, तुहाडियां पूरी लड़ीवार फिल्मां चो केड़ी रही? मेरी अपनी फेवरेट फिल्मों के जी कैरी ऑन जट्टा मैनूं बहुत पसंद है, तो जट जेम्स बॉन्ड बहुत पसंद है जी।
सो अलग अलग जोन दिया फिल्मां सीगियां सो मेरी कोशिश हुंदी है कि हर वारी कोई नवा अटैम्प्ट कीता जावे सो दैट्स वाई आई की कोर्ट केस लैके आए हैं जी। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री च गिप्पी गरेवाल ने जो मुकाम हासिल किया है उस बारे तुसी की कहना चाहोगे? आ देखो हले तो बहुत डिवेलप होगी जी, मैंने लगता कि हले तो फिल्मां थोड़ी थोड़ी बनन लगियां ने, बहुत अलग अलग जॉनर ने जिहड़े हले आपां टच करने ने, हले इदां दे कई सबजैक्ट ने जिहड़े आपां बिल्कुल नहीं बनाए हैगे। पिछले थोड़े टाइम के डिफरेंट डिफरेंट फिल्म आईयां ने, ईवन अरदास जिहड़ी मैं बनाई सी फिल्म बिल्कुल अलग जोन दी सी, सो अगे हुण कप्तान भी है, कोई कोर ड्रामा नहीं सी आया, इस तरह की फिल्म नहीं सी। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਟੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗਰੋ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਵੈਲ ਗਿੱਪੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟਿੰਗ ਔਰ ਐਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਦੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਕਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। और टैक्निकली मैंने लगता कि मैं पहला तो ही काफ़ी मेरा इंट्रस्ट हूँ, जो फिल्म बनती है मैं इदा नहीं फिल्म शूट कर सकता कि मैं बैठ जाते मैं पता लग गया कि इतने कैमरा लग्या, इतने क्यों लग्या, है ना। सो मैं पता हों कि इतने क्यों लग्या, है ना, एक एक्सिस लग्या, क्यों लग्या, यदि वजह okay. की आज ये कटिंग करूँगा तो किधरों करूँगा, है ना। सो मेरा शुरू तो इस चीज़ों के इंट्रस्ट है, है ना। तो मैं कदे अपने डायरैक्टर यह नहीं पुछता है कि क्लोज लग्या कि मिड लग्या या की लग्या। सो मैं ऑलवेज लैंस पुछदा मैनू टैक्निकली चीज़ों की, मैनू वधिया लगता कि यह चीज़ा मैं सिखा, है ना। पता होना चाहिए कि किहड़ा लैंस की शूट करता जे तुसी एक अच्छे एक्टर बनना वा। सो वो चीज़ा ने जिहड़ियां मैनू एज ए डायरैक्टर बनने लई मैनू बड़ा फायदा दिता। सो फिर जदों ये फिल्म का आइडिया आया, होर कोई बना के इंट्रस्टड नहीं सीगा, मैं कहा चलो मैं ही ट्राई करके देख लैना, नाले पता लग जूगा कि मैं किदां दा डायरैक्टर हाँ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀ, ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ। ਔਰ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਸੋ ਪੋਸਟਰ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਟਵੀਟ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੀਟ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ ਖਾਸ ਗੁਣਗੁਣਾ ਦਿਓ। ਹੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਠਾਰੀ 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 ਉਹਦੀ ਹੀਟ ਤੇ, ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੀਟ ਤੇ। ਵੈਲ ਗਿੱਪੀ, MH1 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖਣ ਜਾਓ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਹੀਰੋ, ਅਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਈ ਸੀ ਅਰਦਾਸ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਨਿਕਾ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।